महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी के कार्यालय में पदस्थ बाबू राजकुमार वर्मा ने बरौ की अटल स्व सहायता समूह चलाने वाली सीमा देवी से बिल कम न करने के एवज में 4500 की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद उनके पति महेंद्र तिवारी ने 2500 रुपए दिया था। उसके बाद बाबू ने 2000 की रिश्वत की और मांग की, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत लोकायुक्त में की। लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले की जांच कराई और सही पाया, जिसके बाद शनिवार को लोकायुक्त पुलिस ने राजकुमार वर्मा को 2000 की रिश्वत लेते सिरमौर चौराहे से रंगे हाथों पकड़ लिया। बाल विकास सिरमौर में बड़ा बाबू के पद पर पदस्थ थे। ये आंगनबाड़ी का जो साझा चूल्हा चलता है उसमें 500 रुपये पर केंद्र, हेल्थ हेल्प ग्रुप गवर्नमेंट चलाई है, उसमें 500 रुपये पर केंद्र ये घूस अलग से लेता है। अगर वो पैसा ना दें तो ये क्या करता कि बिल काट देता है। उसमें ना सुपरवाइजर का चलता ना परियोजना अधिकारी का चलता, स्पष्ट इस इसने मार की। 50 रुपये रोसैया से घूस लेता, 500 रुपये रोसैया पाती है, 50 रुपये उसने मार करता है, आपके खाद्यान्न में मार करता है। जो मान लीजिए आंगनबाड़ी भवन नहीं है यहाँ, वहाँ प्राइवेट किराए से लोग देते, गवर्नमेंट उसका किराया देती है, उसमें 400 रुपये पर मंथ आता, जिसमें 200 रुपये ये घूस लेता, 200 रुपये मकान मालिक। आपसे किस बात के लिए मांगा? इसी के लिए, सब यही चैप्टर। ये अटल स्व सहायता समूह बरों की श्री सीमा देवी हैं, वो स्व सहायता समूह चलाती हैं आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत, और महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी के कार्यालय में एक राजकुमार वर्मा बाबू हैं, जो स्व सहायता समूह का बिल निकालने के एवज में, बिल कम न करने के एवज में उससे 2000 रुपये की रिश्वत आज लिए हैं, और रिश्वत लेते हुए 2000 रुपये आज उन्हें पकड़ा गया है। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई है।